फरमाया लहुम कुलूबुल्ला यफकहूना बिहा। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं, लहुम कुलूबुल्ला यफकहूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं, वलहुम आयुनुल्ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं, अमलहुम आदानुल्ला यस्मऊना बिहा, अमलहुम आदानुई यस्मऊना बिहा, जिसका कान खुदा का कुरान सुनने को तैयार नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो, जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मजा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज्जत नहीं आती, जिसकी रूह ताजी नहीं होती, जिसको लुत्फ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं, आओ फिर खुदाई फैसला सुनो। फरमाया उलाइका कल अनाम, मेरा फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी तबके का नहीं, किसी जमात का नहीं। फरमाया उलाइकल अनाम, पैदा करने वाला मालिक व खालिक कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम ये सारे जानवर हैं। ये सारे के सारे जानवर हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे को चीर पाड़ कर खाते हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे का खून पीते हैं। फरमाया बल हुम अगल, जानवरों से भी बदतर। जिसके दिल में कुरान सुनकर तरस नहीं, जिस दिल में रहम नहीं, अपने से कमजोर देखकर जिसके दिल में शफकत नहीं, मेहरबानी का मादा नहीं, फरमाया वो कोई बंदा है, वो तो जानवर है। और खुदा कसम में आ गया, फरमाया बल हुम अदल, उससे भी बदतर। अल्लाह वाले जो हैं वो इन खसलतों को दूर कराते हैं और वो आदमी के मिजाज और दिल में से ऐसी चीजें निकालते हैं जो उसकी बर्बादी का जरिया बनता है। दिल की बीमारियों का किसी को फिक्र नहीं, बुखार हो जाए आप चढ़ जाए आपको पता चल जाता है, नजला हो जाए आपको पता चल जाता है, खांसी हो जाए पता चल जाता है, दिल की बीमारियों का क्या पता चले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के अल्लाह पाक के महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई की। पहले लोग झोपड़ियों में कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो, रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए, सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बनाओ और संवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं, वही मजजूब है, मजजूब अली रहमत कहते हैं बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में
चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितनी किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया बदाहिर, तो हर शहर में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में, अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। आम में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तसव्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना, वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कैदू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है, कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी। आज वो तसव्वुर कहां चले गए। और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे, हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर ना चला जाए। चुनाचे मैं अलल ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा इकराम, काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा इकराम का यह हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए। दो दो साल लग जाते थे अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाह नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जरा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया,
सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं, और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का ये अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं, सारे तेरी फौज में तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की दो आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को, सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की दो आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम, हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूढ़ियों पे पड़े हैं, और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुजदान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्तेकाद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि एक काम मैं नहीं करता, खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं, उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा। और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग हैं। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जनरल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो दो आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल लिल मुमिनीन,
يغوكم الابصاركم ويعفض فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. او لوگو خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی آبرو کی حفاظت کرو, اگر غلط نظریں پڑی غلط استعمال ہوئی. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا, وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے, ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے, مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی دو آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو, تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے, ادھر ڈھول بجا دھماکے بجے, ڈانا شروع ہوا, گانا بجانا شروع ہوا, ساری فوج نکل گئی, سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے, نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز, ہم ناچ ناچ کے تھک گئی, کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ, ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل, لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے, لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے, وہ دیمک لگتی ہے, وہ تباہی پھرتی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تم نے کیا سوچ رکھا ہے. مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی, ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں, کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا, سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا, یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا, کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا, یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ, ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا, ابن حشام لکھتا ہے, عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی, کوٹھی سے نیچے آ گئی, کہنے لگی او مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے, اتنی طاقت ہے, جو حسن کے نظارے سے روک دے, جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے, نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو, جاتے والے یوں نہ جاؤ ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے, وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں, اس کلام میں کتنی برکت ہوگی جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی, سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی, اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی, اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شہدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی, علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو پچاس پچاس ٹاٹی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے, بڑی صفائی ہے, بڑی دوڑ دھوپ ہے,
इसी को मजजूब अलान कहता बदाहिर तो हर शय में बेहद सफाई मगर दिल में है गंदगी इंतहाई कभी इसके धोखे में आना न भाई ये सब है रियाई ये बस है रियाई ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाहु गनी निगाहे नबूवत ने जिसको रंग दिया सुभान अल्लाह फिर कीमा तो बन गया वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना आता। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी एक कैफ था एक सुरूर था सहाबा इकराम को कहां से वो चीज हम लाएं कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ बड़ी बेहतरीन बात है तब लिख के ले जाओ इंशाल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है एक साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे मार खा के आए परेशान होकर आए धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहनशाही थे हैं भी काफिर हैं भी इस्लाम के दुश्मन आए भी सहाबा किराम को मारने मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। साहब इकराम में से किसी ने दो पकड़ लिए किसी ने एक को साथ ले लिया। एक नादार सा गरीब सा सहाबी है उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया बीवी को कहने लगा कि खाना कितना खाए कि बस एक आदमी जोगा है एक आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के दस्तूर था अरब का मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा ये खाना खा लेगा पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया जो कुछ भी था उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे फरमाया वयुसिरूना ला अल्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुह नफ्सिही फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है बीवी भूखी बैठी है चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब मुझे अपनी अजमत की कसम मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए एक सहाबी एक और आदमी को जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि एक ही आदमी का खाना है बस उनने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं कहने लगा भी बात है साफ एक आदमी का खाना है तू खाना खा
मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उनने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई, उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। उन्होंने कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। दो दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया उनने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है, दो दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। दो दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत हर मामला उल्टा ही है, हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार ललकार की आवाज दे के फरमा दिया लोगो ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, लातर को वर्जियू इलामा उतरिफ तुम फी व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़कर के भागते हैं। खुदा कहता आओ जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग कर रहे। इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डीपू हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। अरे अल्लाह मियां ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी यह भी सुना कि अल्लाह मियां का शुगर मिल फला इलाके में लगा हुआ है? कभी यह तो देखो कि यह कुदरत कामला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है? फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं, फिर कुरान ने शर्त लगाई सुम मस्तकाम, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आया। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा भी मुझे क्या पता? मैंने कहा नहीं नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का? मैंने कहा फिर आप दे लूंगा। पच्चीस हजार गुम हुए हैं ना,
12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी, बाल बच्चे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। जितना मैंने समझाया नहीं माना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को वलियों को तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। दो वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, फिर हम बढ़ा ना देंगे औलिया किराम रजमट। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुमस्तकामो ततनज़ल تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। कुरान कहता है उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्क बिदात की लानत से बचे, कुफरो निफाक से बचे, इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश्त के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए, वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरजू को पूरा करेंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं, और खुदा के यहां वो इनाम मिलेगा अल्लाह गनी। राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पढ़ा पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैंक तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर कर की कहता व बिल असहारिहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी यह है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तग़फार करते हैं, अल्लाह के हुजूर में माफी मांगते हैं, रोते हैं, आजजी करते हैं। कहता कि एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है, एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है, सब लोग सोए हुए हूं और अल्लाह का दरवाजा खटखटा, अंधेरे में मालिक के कायनात के सामने झोली फैला, अपनी बिगड़ी का सवाल कर, अपनी मुश्किलात उस मालिक के सामने पेश कर जो सारे जहान का खालिक और मालिक है। अकीदा भी बनाओ, अमाल भी बदलो, मिजाज बदलो, तबीयतों में इनकलाब लाओ, और लोगों इन घरों को मुसलमानों वाले घर बनाओ। तुम बुरा मान के जाओ या भला मान के जाओ, मैं अपने अकीदे की बात को छुपाता नहीं। जिस घर में कोई मर्द औरत कुरान के खोलने वाला नहीं, मैं उस घर को मुसलमान का घर नहीं कहता, वो चूड़े और किरार और सिख का घर है। तुम्हें ये सिखाया किसने है कि मरने के बाद कुरान पढ़ा जाता है और सारी जिंदगी में नहीं पढ़ा जाता? ये कुरान मुर्दों के लिए थोड़ी आया, ये जिंदों के लिए आया है। हदीस पाक में आता है हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, गुरिस्तान से गुजरे, तो एक कब्र को देखा, वो नबी ऐसा था, उसके मौजज़ात ऐसे थे, कब्र में देखा तो एक बुढ़िया जल रही है, सड़ रही है, तबाह हो रही है, रो रही है।
तो ईसा अलैहि सलात व सलाम पना पना करके वहां से गुजर गए। चंद दिनों के बाद जो उसी कब्र के पास से गुजरे तो ईसा अलैहि सलाम को ध्यान आया कि इस कब्र में एक बुढ़िया बड़ी अजाब भुगत रही थी, मगर उस दिन जो देखा वो तो ऐश में बैठी है, तख्त में बैठी आराम कर रही है। सैयदना ईसा अलैहि सलात व सलाम ने अल्लाह पाक से सवाल कर दिया, इलाही मरने के बाद तो आदमी कोई नेकी भी नहीं कर सकता, इसने क्या कर लिया जो इसका सारा निजाम बदल गया। आवाज आई, ए ईसा लिख के ले जाओ ये बात, हुजूर का फरमान है। फरमाया, ए ईसा इस माई के छोटे से पोते ने उस्ताद के पास जाकर के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस नन्हे से मुंह से छोटे से मुंह से जब ये लफ्ज निकला, ए अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। ईसा छोटे के छोटे से मुंह से जब निकला वो तो मासूम था, उसके मुंह से जब निकला ना तो मैं बड़ा मेहरबान हूं, मैंने उसके उस मासूम बच्चे के सदके में उसकी दादी पे कर्म कर दिया। उसके नाम में बड़ी बरकतें हैं, उस अल्लाह का नाम लेने में बड़ी बरकतें हैं। गुड़ में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। टॉफियों में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। तुमने चखे नहीं देखा, अगर तुम चख लो खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज अच्छी ना लगे अल्लाह के नाम के मुकाबले में। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाए, अपने कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपना जिक्र और अपना फिक्र और अपने शुक्र की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हम सबको ये हिम्मत दे कि मरते दम तक हम कुरान से यारी करें, कुरान से वफादारी करें। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पिछले जुमे की बड़ी शानदार केसट जो आप लोग खुद सुन के गए थे, और भी सब केसटे हैं, बड़ी आला दर्जे की औलिया कराम की पहचान। जो भी बीमार है या अल्लाह सबके दुखों को दूर फरमा दे, या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सबकी तकलीफों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ये जितने मर्द औरत आए बैठे हैं या अल्लाह इनको कदम कदम पे नेकियां और कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में सबकी फसल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सबकी नेकियों को इतना बढ़ा कि हमारे लिए जरिया निजात बन जाएं। या अल्लाह हम सब के वालदैन की मगफरत फरमा। मेरे हाजी साहब के लिए भी दुआ करो जिसका ये सारा बूटा लगाया हुआ, अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। मेरी वालदा के लिए भी, सब के वालदैन के लिए दुआ करो, या अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। जिसके अजीज रिश्तेदार अहलिया भाई भतीजे खानदान के लोग वसीब के लोग जितने भी कब्रों में चले गए, या अल्लाह सब की मगफरत फरमा, सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह सबको अलैहिल्लीन में जगह अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद के मदरसे के जितने लोग खिदमत गुजार हैं मालो जान बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनको इतना दे के उनके घर भर दे। हाँ कोई साथी बतला रहे हैं कोको कोला का कोई साथी है जहां भी है, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तेकामला अता फरमाए। या अल्लाह इन सबको हज बैतुल्ला नसीब फरमा, सबको रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा। या अल्लाह हम सब की औलाद को नेक साले और नमाजी बना। या अल्लाह सब की औलाद को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हम सब के घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा, मरते वक्त कलमे और ईमान वाली दौलत अता फरमा। या अल्लाह हम सब की इज्जत आबरू जान माल अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह सारी उम्मत की मगफरत फरमा, सारे पाकिस्तान पे करम और फजल फरमा, सारी मखलूक के साथ या अल्लाह रहम का मामला फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को ना देख, हमारे अमाल को ना देख, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वअला आलिही वसहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन।